the brain. All of them. तो हेलो गाइज, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, डोंट ट्राई दिस मैजिक। अगर आप इस मैजिक को ट्राई करते हो, भगवान न करे आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार जो है एसएसए मैजिशियन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मैजिक वीडियो को। सो गाइज, आज मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, इतनी सारी प्लेट्स के पैकेट हैं, जो कि एकदम ओरिजिनल पैकेट्स हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हो, प्लेट्स के जो पैकेट हैं वो एकदम ओरिजिनल हैं। इन्हें खोलते हैं आप लोगों के सामने, जल्दी से खोलते हैं, जल्दी से ओपन करते हो। यहां पे देख सकते हो, एक पैकेट में जो है चार प्लेट, पांच प्लेट होती है, ठीक है, पांच प्लेट होती है, पांच, ठीक है, एकदम न्यू है। आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि सेकेंड हैंड या ऐसी कोई डुप्लीकेट ब्लेड है, नहीं, एकदम न्यू ब्लेड है। आप लोग यहां पे देख लो, दो पैकेट हमने खोल लिए हैं, तीन, चार, चार पैकेट हमने यहां पे ओपन कर दिए हैं, यानी कि हमारे एक पैकेट में पांच ब्लेट होती है, तो हमने टोटल चार पैकेट खोले हैं। तो आप जान सकते हो कितनी ब्लेट हमारे पास है। आप लोग देख सकते हो हमारे साथ इतनी सारी ब्लेट्स हैं जिनको हमने अभी ओपन भी नहीं किया है। इनको एक एक करके ओपन करते हैं। तो आप लोग यहां पे देख लो, एक, जल्दी से करते हैं ओपन, दो, तीन, चार, ऐसे करके हम सभी ब्लेट ओपन करते हैं और फिर आपको कंटिन्यू करवाते हैं। या आपको ऐसा लगेगा कि हमने कैमरा बंद करके कोई चीटिंग की है, इसलिए कैमरे को चालू ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई चीटिंग की है ना। तो कैमरा चालू करते हैं, चालू ही रखते हैं और ब्लेड को ओपन करते हैं, क्योंकि अगर हम कैमरे को क्लिप को काट देते हैं तो आप लोगों को लग सकता है कि हमने कुछ कैमरे के पीछे जो है चीटिंग की है, और ऐसा कुछ आप लोगों को लग सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी ब्लेडें जो है ओपन कर रहे हैं आप लोगों के सामने। सो गाइज, हमने सभी ब्लेटें यहाँ पे ओपन कर दी है, सभी ब्लेटें जो है यहाँ पे निकाल दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने सभी ब्लेटें जो है एक एक करके यहाँ पे निकाल दी है। और आपको दिखा दे कि एक ओरिजिनल ब्लेट है, यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो ये ब्लेट्स जो है इसको कैसे काट रही है, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, एकदम ओरिजिनल ब्लेट है। कि अगर ये थोड़ा भी कहीं पे लग जाए तो अच्छी तरह से जो नुकसान है वो हमारा हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लेड्स के जो है खाली पैकेट, ठीक है, तो इनको साइड में कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 20 ब्लेड जो है अनबॉक्स की है, एकदम आप लोगों के सामने, आप लोगों के निगरानी में, ठीक है। अभी क्या करते हैं, कुछ मैजिक करते हैं यार अभी, ठीक है, मैजिक करेंगे और मैजिक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि ब्लेड्स जो है क्या होती है, कैसे होती है। तो आप लोगों को मैजिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी मैजिक स्टार्ट करते हैं, जादू स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, मेरे पास ओरिजिनल ब्लेड जो है वो 20 हैं, 20 ब्लेड्स मेरे पास एकदम ओरिजिनल ब्लेड्स हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने आगे न्यू बॉक्स से ओपन की थी। यहाँ पे इनका बॉक्सेस भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एकदम ओरिजिनल ब्लेड है और एकदम न्यू ब्लेड्स हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 18 साल से कम बच्चे से ट्राई ना करें, अगर बड़े भी ट्राई करते हैं तो किसी की निगरानी में ही करें, ठीक है। हम अपने रिस्क पे, अपनी सेफ्टी के साथ इसे ट्राई करते हैं। तो अभी मैजिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 20 ब्लेड जो कि अलग अलग हैं सभी, ठीक है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से पकड़ी हुई है, मेरे पास है एक पानी का गिलास जो कि मैं पीऊंगा। अफकोर्स अगर ब्लेड खानी है तो पानी भी पीना ही पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को म्यूजिक के साथ देखो, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे मुंह में प्लेट होगी, अगर मैं बोलूंगा तो आवाज रिकॉर्ड करके यहां पे जो है डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, एक प्लेट्स।
तो सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लेड खा रहा हूँ और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है और ये जो आवाज़ है ये मैं आपको बाद में रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं ब्लेड्स खा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं बोल नहीं सकता हूँ मुँह से, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे और वीडियो लंबी ना हो और आप लोग जो है बोर ना हो। तो जहाँ पर मैं कर सकता था वहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। इसी प्रकार से हम तो हाथ की सभी ब्लेटें जो है खा जाएंगे मुंह में। तो आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई ब्लेटों को खाली मुंह में रख रहा है और खाएगा नहीं, अंदर नहीं लेके जाएगा, ऐसा कुछ। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है और ये मैजिक जो है कैसा खतरनाक डेंजर होने वाला है। तो हाथ की मैंने सभी ब्लेटें खा दी हैं और नीचे से भी कुछ ब्लेटें हैं जो मैं उठा के खा जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखते रहें, कंटिन्यू बने रहें और आप देख सकते हो नीचे से और एक ब्लेड्स मैंने ले ली है और यहाँ पे अभी मैं लेता हूँ पानी का गिलास जिसमें पानी पीता हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि जो ब्लेड्स है वो मैंने गिलास में डाल दिए या ऐसा कुछ, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप वीडियो पे बने रहें, मैंने और एक ब्लेड यहाँ पे खा ली है आप लोगों के सामने। अब होने वाला है मैजिक, अब होने वाला है जादू जिसे बोलते हैं मैजिक। तो आप लोग देखो अभी मैं खा रहा हूँ धागा, ठीक है। अब धागे पर कुछ तो नहीं है, धागा आप ध्यान से देखें कि धागे पे अगर कुछ है तो आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको धागे पे कुछ दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ धागा ले लिया है और आप लोगों के सामने इस धागे को तोड़ दिया एक रोल से और आप लोग देख सकते हो ये धागा भी जो है मैं खा जाऊंगा, ठीक है। तो देखो धागे की मैंने गुच्छी बना दी है और धागे को खा लिया है। आप पी लेते हैं थोड़ा पानी धागा खाने के बाद। और आपको अभी कुछ ऐसा अगर डाउट लग रहा है तो बने रहें यार, अभी देखो मैजिक अब होने वाला है मेरे भाई। अभी तक मैजिक नहीं था, अब होगा मैजिक, यानी कि अब होगा ओरिजिनल जादू। तो देखा आप लोगों ने अब होने वाला है जादू, मंत्र लगाए आप लोगों ने देखा कि जादू के जो मंत्र हैं गिली 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 छू, आबरा का डाबरा गिली 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 छू, ये लग गया है मैजिक का मंत्र, ठीक है। तो अभी देखो अब देखो काला जादू जो है तैयार होने वाला है। तो देखा आप लोगों ने, अब देखो मुंह से क्या निकलता है, मुंह से निकलेगा गुब्बारा है, गुब्बारा। तो देखते हैं यार आप और हम साथ में देखते हैं। यहाँ पे देखो गुब्बारा तो नहीं निकल रहे यार, ये निकल रही है मेरे भाई ब्लेड्स। ये ब्लेड्स तो मैंने गिलास में डाल दी थी, ये मुँह में कहाँ से आई? आपको ऐसे लगा ना कि गिलास में डाल दी थी, तो अभी मुँह में कहाँ से आई? सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो 20 की 20 ब्लेड मैंने खाई थी वो यहाँ पे बाहर आ चुकी है। तो आप लोग देखो कितनी बड़ी माला है ब्लेड्स की, ये माला मेरे से संभाली भी नहीं जा रही है, कहीं कट ना लग जाए यार। आप लोग देखो एक बार वॉच नाउ कि ये माला उलझ गई है और आप लोग देखो कि कितनी बड़ी माला जो है ब्लेड्स की वो मैंने मुँह से जो है खा के निकाली है, ठीक है। तो ये माला अभी उलझ गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतनी बड़ी है कि इसे सुलझाने में आप ही देखो कितना टाइम लग रहा है। तो देखा आप लोगों ने ये मैजिक कितना हैरान कर देने वाला है कि माला ब्लेड्स की जो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ये उलझ गई है मेरे इसमें, ठीक है। तो आप लोग देखो यार कितनी बड़ी माला मैंने जो है ब्लेड्स की खा के निकाली थी और ये माला अभी अच्छी तरह से उलझ गई है और इसे सुलझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि निकालते समय जो है ये माला मेरे मुंह में, मुंह से तो बाहर अच्छी तरीके से आई थी बट देखो 20 ब्लेड की माला कितनी होगी आप लोगों को पता ही होगा, 20 ब्लेड्स की जो माला है वो कितनी बड़ी होगी आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि ये ब्लेड्स सभी के सभी जो ब्लेड्स हैं वो आ चुके हैं, इस रस्सी पे जो ब्लेड्स हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो आप लोग एक बार देखो कि ये ब्लेड्स की जो माला है वो कितनी बड़ी आ गई है, कितनी बड़ी आ गई है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मैजिक? लास्ट में जब मैंने मुंह से माला बाहर निकाल दी थी तो थोड़ा उलझ गई थी और उलझने के चक्कर में जो है माला ऐसी हो गई है, ये धागा जो है ब्लेड्स के साथ उलझ गया है और कहीं से कट भी गया होगा क्योंकि बहुत धार धार वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये मैजिक पसंद आया होगा और आप भी जानना चाहते होंगे इस मैजिक का ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, एंड में मैं इसका राज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। उससे पहले अगर आपने एसएसए मैजिशियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं मेरा सेटअप, मेरा रूम और मेरी ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो कि मैंने नया बनाया है, अभी एक दो दिन हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की लिंक होगी, वहाँ पर जाके आप
उस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। नया चैनल है, मैंने कल परसों ही ओपन किया है, उस पर मैं अपनी ब्लॉगिंग्स, अपना सेटअप आपको दिखाऊंगा कि मैं सेटअप में क्या यूज करता हूं, कैसे यूज करता हूं, वो सब आपको दिखाऊंगा, अपना गांव और मैं कहां से हूं, सब आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पहाड़ी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना बहुमूल्य प्यार सपोर्ट हमें दे सकते हैं। तो चलो सीधा चलते इस मैजिक ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। सो गाइज, इस ट्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओरिजिनल ब्लेड्स। जी हाँ, ओरिजिनल ब्लेड्स। ओके, ये ओरिजिनल ब्लेड्स का पैकेट हो गया और इस पैकेट के अंदर से जो ब्लेड होगी वो भी एकदम ओरिजिनल ही होगी, कोई डुप्लीकेट ब्लेड हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक सिजर यानी कि एक कैंची। ओके, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, आपको बहुत ही डेंजरस मैजिक है तो सिखाना थोड़ा डिटेल्स में सिखाना चाहिए क्योंकि ये मैजिक थोड़ा डेंजर है, अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो कटने के पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है। इसीलिए डिटेल्स में सिखा रहा हूं, वीडियो लंबी हो सकती है, बस थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। ओरिजिनल ब्लेड्स हो गई, कैंची हो गई, आपको कम बना के दिखाऊंगा, 20 तो नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बस आपको 5 ब्लेड की जो है बना के दिखाता हूं। इसी तरह से आप जो है 20 या 30 या 40 ब्लेड्स की बना सकते हो, ठीक है। तो आपको चाहिए कुछ ब्लेड्स और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास ब्लेड्स पहले से ओरिजिनल है, जो मैंने खाई थी एकदम ओरिजिनल ब्लेड है, इनमें कोई भी ट्रिक नहीं है, ओरिजिनल ब्लेड्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन ब्लेड्स को लेना है, ओरिजिनल ब्लेड्स को। अगर आपको 5 ब्लेड निकालनी है मुंह से तो आपको 10 ब्लेड चाहिए, और 10 ब्लेड निकालनी है तो 20 चाहिए, और अगर 20 ब्लेड मुंह से निकालनी है तो 40 ब्लेड चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपको गेमिंग ब्लेड्स माला बनानी है, जैसे मैंने ये बना रखी है 20 ब्लेड्स की, अगर आपको ऐसी माला बनानी है, 30 ब्लेड की निकालनी है, 20 ब्लेड की निकालनी है, तो इसमें क्या होता है, ये ब्लेड नहीं काट सकती है, ठीक है, ये एकदम इसकी धार नहीं है, इस ब्लेड की धार नहीं है, पर हाँ जो मैंने आप लोगों के सामने शुरू में खाई थी उसकी धार थी मेरे भाई। ओके, आप चाहे तो ओरिजिनल ब्लेड सीधा खा भी सकते हो। ओके, तो जो आपको माला बनानी है पहले वो बताता हूँ, कैंची हो गई, ब्लेड्स हो गई एंड धागा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन ब्लेड्स को यहां से काटना है सिल्जर की कैंची की सहायता से, ना ये धार जो है ना इसकी, इसको निकाल देना है हल्की मात्रा में, कुछ ऐसे। और देखो यहां पे मेरे पास एक उसकी जो धार थी वो आ गई है, ये जो है ब्लेड्स की धार है ये हमने कैंची से अलग कर दिया, ठीक है, शायद आपको दिख रहा हो, ये मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, ये देख सकते हो, यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ब्लेड्स का जो कटा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरी तरफ से भी करना है, हो गया, दोनों तरफ से जो हमने यहाँ पे धार निकाल दी है ब्लेड की, ठीक है, धार निकाल दी, आप लोग देख सकते हो दो किनारे जो है यहाँ पे। अब ये ब्लेड अभी भी ओरिजिनल लग रही है, कोई डुप्लीकेट नहीं लग रही है मेरे भाई, ओरिजिनल लग रही है, पर इसे आप कटेंगे नहीं क्योंकि ये जो है इसकी धार हमने निकाल दी है पूरी की पूरी, ठीक है, इसे नहीं कटेंगे अभी। तो आपको ऐसी ही जो है 3, 4, 5, 10 जितना भी आप निकालना चाहते हो ऐसी ही ब्लेड्स बना देनी है, ठीक है। ये देखो ब्लेड्स के जो किनारे हैं वो यहाँ पे आपको मोबाइल के ऊपर रख के दिखाता हूँ, ये देखो ये जो ब्लेड्स के किनारे हैं ना ये है जो मैंने कैंची से काटे थे, तो ऐसे ही आपको इनकी धार को काट देना है, ठीक है। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा ये ब्लेड्स की जो धार है ये है, ऐसे ही आपको सब के सब काट देनी है जितनी ब्लेड्स आपको गेमिंग बनानी है, बट वही ब्लेड्स काटनी है जो आपको मुंह में पहले से रखनी है, पहले से जो बाद में रखनी है, ठीक है। तो इनको साइड में रख देते हैं और फिर आपको क्या करना है, धागा लेना है, ठीक है, धागा लेने के बाद इन ब्लेड्स को बांध देना है जिन्होंने आपने धार काट रखी है, आप 10 की काटो या 20 की काटो या 30 की काटो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने का कर सकते हो, इनके ऊपर कुछ इस प्रकार से धागा बांध देना है, ठीक है। तो ऐसे धागा बांधोगे, धागा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, धागा अच्छा वाला यूज करना, मैं भी रील्स का धागा यूज मत करना जो कपड़े सिलने में यूज करते हैं, ऐसा यूज ना करें, यो ये वो धागा है जिससे नाई जो है थ्रेडिंग करते हैं, आईब्रो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी ही जो है जितनी आप निकालनी चाहते हो उतनी ब्लेड बांध देनी है, और ध्यान रखें यहाँ पे वही ब्लेड बांधनी है जो आपको मुंह से माला के रूप में बाहर निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी ब्लेड चाहिए उतनी ब्लेड बांध सकते हो, इसको बड़ा बना सकते हो, इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बांध देते हैं एक बार के लिए, इनको काट देते हैं अलग से,
ये मैंने सब धार निकाल रखी है ब्लेड्स की, इन ब्लेड्स की सभी की मैंने धार निकाल रखी है। बस मैंने आपको जैसे बताया आपको इसी प्रकार से धार निकालनी है, ठीक है। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लेड्स को कुछ इन प्रकार से बांध देना है। आपको एक छोटी माला बना के दिखाता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से सभी ब्लेड यहाँ पे बांध देनी है कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे बांधने के बाद इस पर गांठ मार देनी है। आप जितनी दूरी में चाहे उतनी दूरी में जितनी लंबी माला निकाल सकते हो, देखो दो, मैं आपको चार पांच ब्लेड की ही बना के दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तीन, तीन ब्लेड की माला हमने बना दी है। बस आपको चार या पांच ही ब्लेड की माला बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर 20 ब्लेड की माला बना के दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आप बोलोगे भाई यार इतना टाइम पास बकचोदी क्यों मार रहे हैं ना। तो चार और एक हो गया पांच। बस आपको इतनी बना के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो, और बीच में मैं काट भी नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि भाई ने ये सब कैसे किया। तो ठीक है, हमने पांच ब्लेड की माला तैयार कर दी है यहाँ पे। अब ये कौन सी ब्लेड है जिसकी हमने धार निकाली हुई है, अभी बाकी का काम खत्म, ठीक है। तो ये ब्लेड्स आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखो धागे को ऐसे इकट्ठा करके, ऐसे इन पे ऐसे इकट्ठे करके ऐसा, और यहाँ पे सेटअप कर देनी है जितनी भी ब्लेड आप निकालना चाहते हो, 10, 15, 20, 25, 30। पर मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको 10 निकालने, आपको 20 चाहिए, 20 निकालने तो 40 चाहिए, ठीक है। इस ब्लेड को धागे को ऐसे इकट्ठा करके यहाँ पे पीछे में ऐसे इकट्ठा करके कुछ इस प्रकार से, और ब्लेड्स को लगा देना है उसके ऊपर। और धागा ध्यान रखें एक ही साइड में इकट्ठा करना है, नीचे वाली साइड में इकट्ठा करना है, अदरवाइज कहीं नहीं। देखो ये हो गया, पांच ब्लेड जो है रेडी हो गई है मैजिक दिखाने के लिए। अब आपको इसको अलग रख देना है, ये आपका गेमिंग ब्लेड बन गया है। अब ये दूर से ऐसा लगेगा कि एक ही ब्लेड है, ठीक है, दूर से ऐसी लगेगी कि एक ही ब्लेड है, ऐसे पकड़ने में ऐसे लगेगी कि एक ही ब्लेड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल ब्लेड है पांच वो भी ले लेनी है, क्योंकि मैं पांच से ही करके दिखा रहा हूँ तो पांच से ही दिखाऊंगा, चार और एक पांच, ओके। ओरिजिनल ब्लेड भी ले लेनी है, पर अब मैं दिखाता हूँ अब इसको परफॉर्म करने का तरीका, वो मुझे खड़े होके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं खड़े उठता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आपको खड़े होके जो है वो कैसे परफॉर्म। सो गाइज, इसका परफॉर्म करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बैठ के दिखाया था तो अभी भी बैठ के ही दिखाऊंगा आपको परफॉर्म करने का तरीका जो है। तो सबसे पहले इसको छुपा दे, ठीक है, जो आपने ब्लेड्स काट के बनाई है ना और जो माला बना रखी है इसको कहीं छुपा दे। छुपा दे मेरे कहने का मतलब ऐसे बना के कि ऐसा लगे दूर से कि एक ही ब्लेड्स हैं, इसको ना ऐसे रख दे, ऐसे सेट करके, ठीक है। तो ऐसा लगेगा दूर से, आप लोग देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि एक ही ब्लेड्स हैं, है ना, लग रहा है ना दूर से। तो आपको इसको कहीं रख देना है ताकि धागा दिखाई ना दे कुछ भी करके। तो आपको ओरिजिनल ब्लेड ले लेनी है और इनकी धार बिल्कुल भी नहीं गई है, ठीक है। ये मैंने ओरिजिनल की ओरिजिनल ही रखी है, देखो देखो ये ओरिजिनल की ओरिजिनल ही ब्लेड है, इनकी धार मैंने नहीं निकाली है, ठीक है, ताकि लोगों को मैं चेक करवा सकूं, टेस्ट करवा सकूं कि ब्लेड ओरिजिनल है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऐसी ओरिजिनल ब्लेड लेनी है। अगर आपने इस सेटिंग में जो आपने माला बना रखी है इसमें अगर आपने पांच ब्लेड लगा रखी है तो आपको चार खानी है, और अगर आपने 10 ब्लेड लगा रखी तो आपको 9 खानी है, अगर आपने 20 ब्लेड लगा रखी तो आपको 19 खानी है, ठीक है। तो आपको ये कहीं ब्लेड के साथ मैच कर देना, आपको इसको ऐसे भी रख सकते हो ब्लेड के साथ में कुछ इस प्रकार से, ऐसे ओरिजिनल ब्लेड के साथ में कुछ इस प्रकार से। मैं आपको खा के दिखाता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ आपको पांच ब्लेड से, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया, तो हमने चार ब्लेड ओरिजिनल वाली ले ली और एक हमारी यही है जो हमने मैजिक का वो बनाया था, ठीक है, मैजिक जो गेमिंग बनाया था ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पानी का गिलास ले लेना है जिसमें कि सच में ही पानी होगा, और ध्यान रखें इस गिलास में ही पूरा मैजिक है। गिलास आपको या तो स्टील का लेना है या तो प्लास्टिक का लेना है, या डिस्पोजर भी ले सकते हैं जिसके आर पार ना दिखाई दे, ठीक है, जिसके जो पारदर्शी ना हो, जिसके आर पार ना दिखाई दे, वो गिलास आपको लेना है। उसके बाद आपको ब्लेड को चेक करवा सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ब्लेड है जो मैंने खानी है, एकदम ओरिजिनल, इनकी धार मैंने 0% भी नहीं मारी है। आपको ऐसे बट आपको जीप के ऊपर रखना है, ऐसे भी नाटक कर सकते हो, पर ये ब्लेड जीप के ऊपर ही रहनी चाहिए।
और जीभ इतनी नाजुक होती है कि इनसे कट ना जाए, वैसे हमने धार नहीं मिटा रखी है, इनसे कट ना जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो आप लोग ऐसे तो हमने चार ब्लेड क्या करना है, मुंह में डाल देनी है, ठीक है। तो जैसे ही चार ब्लेड मुंह में डालेंगे तो हमारे हाथ पे क्या लगेगा कि एक ब्लेड बची हुई है, जो पांचवी ब्लेड होगी वो एक ब्लेड लगेगी, बल्कि नहीं ये पांच की पांच ब्लेड है, एक ब्लेड नहीं है पांच ब्लेड है ये, पर दूर से ऐसे लगेगी कि एक ही ब्लेड है, क्योंकि हमने इसका सेटअप बना रखा है, माला बना रखी है, तो पेंडिंग बना रखी है उसके, ठीक है। तो अब मैंने बाहर इसलिए निकाली ताकि आप लोगों से बात कर सकूँ। तो आपको ऐसे मुँह में रख के उसके बाद पानी पीना है, और पानी पीने के एक्टिंग में जल्दी जल्दी से जो ब्लेड्स है वो उसमें डाल देने, लाइक ऐसे ये मुंह में है, हो गया जल्दी पानी का घुटाक मार दिया, ब्लेड उसमें डाल दिया बहुत स्पीड से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्लेड्स खानी है। अब ये ब्लेड्स एक ही बार में खानी है, एक ब्लेड लगेगी, पर ये है पांच ब्लेड, ठीक है। इसको ऐसे खाना है। अब हमने इसकी धार मिटा रखी है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे छुपाओ, चाहो तो जेब के ऊपर रखो, पर आप यहाँ पे छुपा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी धार हमने अच्छे से काट रखी है, कैंची से काट रखी है, बल्कि अलग मिटा रखी है। उसके बाद आपको लेना है एक थ्रेड धागा, जो कि आपको दिखाना है नॉर्मल धागा है, तो आप इतना लंबा लें कि जितना आपने ब्लेड्स पे लगाया हो, ठीक है, ऐसे ले लें। लेने के बाद तोड़ दें सबके सामने, और इस धागे का रूल्स ऐसे गुच्छी बना के ऐसे खा दें, खाएं नहीं बल्कि इस धागे को खाने के बाद पानी पिए और धागा इसमें डाल दें, वैसे ब्लेड्स भी और धागा भी इसी में है, पर ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि गिलास पारदर्शी नहीं है। उसके बाद आपको एक्टिंग करनी है, मैजिक करना है, जादू करना है, और आपको क्या करना है, ये ब्लेड्स जो है जीभ के ऊपर ला देनी है, जहां भी आपने छुपा रखे है ना वहां से जीभ के ऊपर ला देनी है, ठीक है। उसके बाद ढूंढना है इसका सिरा, ये जो धागा होता है ना, ये वाला जो धागा है ना, इस पर ये धागा, ये ढूंढना है मुंह के ऊपर कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी माला जो है वो बाहर आ जाएगी। आपको ये किनारा ढूंढना है जीभ के ऊपर, और इसी प्रकार आपकी माला बाहर आ जाएगी। आपको धीरे 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 उसे खींचना है और वो माला जो है बाहर निकल आएगी। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये मैजिक, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस मैजिक को थोड़ा सावधानी से ट्राई करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, ब्लेड की धार पूरी मिटाएं। आप चाहें तो सभी ब्लेड्स की धार मिटा दें, जो खानी है वो भी और जो निकालनी है वो भी, आप सभी ब्लेड्स की धार निकाल दें ताकि आपको कोई भी खतरा उसमें ना हो। तो आपको मैजिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, पहाड़ी लाइफस्टाइल मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहाड़ी लाइफस्टाइल करके चैनल है, जिसमें मैं अपने पहाड़ों की लाइफस्टाइल आप लोगों को बताता हूं कि पहाड़ों में जो है कैसी लाइफस्टाइल लोग जीते हैं, क्योंकि पहाड़ों की लाइफस्टाइल जो है वो शहर की लाइफस्टाइल से बहुत चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। हम लोग जो पहाड़ में फैसिलिटीज होती है वो पहाड़ों में नहीं होती है, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, लाइक यहाँ पे हल खुद लगाना पड़ता है बैलों से पहाड़ों में, और शहर में जो है ट्रैक्टर लगाते हैं। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं पहाड़ों की लाइफस्टाइल, वो मैं उस चैनल पे आपको बताता हूँ। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के लिंक पे क्लिक करें, पहाड़ी लाइफस्टाइल के आगे एक लिंक होगी उस पर क्लिक करें, और भाई को सपोर्ट करें। मेरा नया चैनल है पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग्स, पर नाम केवल पहाड़ी लाइफस्टाइल है, मैं उस पर ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, अपना बहुमूल्य प्यार उस पर बनाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट कमाल और धमाल मजेटिक मैजिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।